हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सिंदूर के साथ कैसे डिफरेंट हेयर स्टाइल कर सकते हैं। 10 टाइप्स से आप कैसे डिफरेंट हेयर स्टाइल कर सकते हैं। मैं 10 डिफरेंट स्टाइल आपको बताऊंगी। और ये वीडियो जो न्यू मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो कैसे डिफरेंट हेयर स्टाइल कर सकते हैं सिंदूर के साथ, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली फर्स्ट हेयर स्टाइल है ये। आप बीच की मांग निकालेंगे और अपनी मांग को अच्छे से ड्राई सिंदूर से आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का सिंदूर, आप कोई भी सिंदूर ले सकते हैं। इसके साथ स्टिक आती है, इससे मैंने फिल कर लिया है। आप चाहें तो ईयरबन से भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टिक से ही करा है। और देखिए, पहला स्टाइल हमारा तैयार है। हम बीच की मांग निकाल के दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल उठा के ट्विस्ट करके ऐसे पिन अप कर लेंगे। मैंने टिकटॉक वाले पिन लगाए और बाकी बालों को खुला छोड़ लेंगे। ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है। अब सेकेंड लुक, इसमें स्टाइल वही रहेगा, आगे से आप उसी टाइप से बनाएंगे और पीछे एक पोनी बना सकते हैं। ये एवरीडे डिफरेंट हेयर स्टाइल हैं, क्विक एंड बहुत क्विक हैं, बहुत जल्दी आप बना सकते हैं और एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पे एक साइड से मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो मैं सही कर ले रही हूँ। आप पोनी बना के थोड़ा सा आगे को डाल सकते हैं, ये लुक भी बहुत प्यारा लगता है। और थोड़े से बाल निकाल सकते हैं आगे से। अब थर्ड हेयर स्टाइल में अगर आपको लिक्विड से आगे भी लगाना पसंद है तो आप इस टाइप से लिक्विड सिंदूर ले सकते हैं और हल्का सा इस टाइप से आगे लगा सकते हैं। ये वाला लुक भी बहुत प्यारा लगता है। इससे सिंदूर लगा हुआ आगे, जिन्हें अच्छा लगता है आगे सिंदूर लगा हुआ, वो लिक्विड सिंदूर लगा सकते हैं। और हाँ, ये पसीने में निकलता भी नहीं है तो बहुत प्यारा लगता है। आप इस टाइप से करके बीच की मांग निकाल के, अगर आपकी बीच की मांग पसंद है तो आप बीच की मांग निकाल के और इस टाइप से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। पीछे आप एक बन बना लेंगे। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी जो सिंदूर के साथ पिक होती हैं वो यही वाली पिक होती है। ये वाला हेयर स्टाइल होता है उनका बीच की मांग में और पीछे एक बन बना हुआ होता है। तो ये वाला लुक भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। जो लुक आपको पिन में से पसंद आए वो लुक आप ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे सारे आपको पसंद आए या सारे आप करना चाहें। जो आपका फेवरेट लगे, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। जितने आपको पसंद आए वो डिफरेंट डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ में हम क्या करेंगे, आगे से थोड़े थोड़े बाल दोनों साइड से निकाल लेंगे और पीछे के सारे बालों को ले लेंगे इस टाइप से और पीछे के बालों का एक पफ बना लेंगे। हम 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। आगे के बालों को छोड़ दूंगी मैं और पीछे के बालों को इस टाइप से ले लूंगी। आप देखेंगे आपको सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैं पिक में बता रही हूँ। ये बहुत क्विक हेयर स्टाइल है, एवरीडे में आप बना सकते हैं, पार्टी में आप बना सकते हैं, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओनली 2-3 मिनट्स में आपका रेडी हो जाता है हेयर स्टाइल। बहुत ही क्विक एंड ईजी हेयर स्टाइल है तो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। पीछे के बालों को हल्का सा ट्विस्ट करके मैंने पफ बना लिया है। अब जो आगे के बाल हैं उन्हें ऐसे मैं कान के पीछे करके और ऐसे पीछे सारे बालों को इकट्ठा करके ले लूँगी। इस टाइप से हमें पूरे बालों को पीछे करके ले लेना है। ये हेयर स्टाइल आप पार्टी में बना सकते हैं, डेली वे में बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। जो न्यू मैरिड है उनके ऊपर ये बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि सिंदूर के साथ बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। पीछे आप एक पोनी बना सकते हैं, उसे चाहें तो आप पीछे रबर बैंड डाल के पीछे ही रख सकते हैं, नहीं चाहते तो थोड़ा सा आगे करके इस टाइप से डालेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ये हेयर स्टाइल आप साड़ी सूट के साथ कैसे भी बना सकते हैं सिंदूर के साथ, और बहुत ही प्यारा लुक देते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा सा लुक देते हैं। अब नेक्स्ट हेयर स्टाइल पे हम आएंगे। इसी में हम कुछ नहीं करेंगे, बस नीचे अगर आप समर्स हैं और या फिर पोनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसी टाइप से आगे का हेयर स्टाइल करेंगे और पीछे एक वो बना लेंगे बन। बन आपके ऐसे मैंने ये ट्विस्ट करके ही, नॉर्मली ट्विस्ट करके बालों को रबर बैंड डाल दिया, इससे पफ बन गया, बहुत ही प्यारा लुक आया है। अब नेक्स्ट 6 हेयर स्टाइल पे हम आते हैं। तो इसमें हम थोड़े थोड़े से बाल इस टाइप से पकड़ेंगे और ट्विस्ट करते हुए एक दूसरे के ऊपर, आप देख सकते हैं जिस टाइप से मैं कर रही हूँ ऐसे ट्विस्ट, थोड़े थोड़े बाल उठाते हुए ट्विस्ट करते हुए हमें पीछे की साइड जाना है। थोड़े थोड़े बाल उठा के मैं पीछे ट्विस्ट कर रही हूँ आप देखेंगे, और पीछे ऐसे पिन अप कर लेंगे। आप कोई भी पिन ले सकते हैं, मैंने ये टिकटॉक वाले पिन लिए हैं। सेम दूसरी साइड से हम इस टाइप से बालों को पकड़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े उठाते जाएंगे और ट्विस्ट करते हुए एक दूसरे के ऊपर ऐसे करते हुए हम रैप करते जाएंगे। और ये बहुत, ये लुक भी बहुत प्यारा लगता है। इसको भी आप पीछे करके और ऐसे
पिन से, टिकटॉक पिन से मैंने यहाँ सेट कर दिया, और ऐसे आप ओपन बाल कर सकते हैं। आगे से आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा लगेगा और बाल आप ओपन करके छोड़ सकते हैं। ये वाला लुक भी बहुत प्यारा लगता है साड़ी और सूट के साथ। ये एक पार्टी वेयर लुक भी हो जाता है, हेयर स्टाइल भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। इसी में आप अगर और हैवी सिंदूर चाहते हैं, मतलब कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो ट्रेंगुलर शेप में थोड़ा चौड़ा सा सिंदूर लगाना चाहते हैं, तो आप इस टाइप से आप लिक्विड सिंदूर ले सकते हैं। ये आता है एक लिपस्टिक टाइप में, या फिर आप कोई लिपस्टिक के थ्रू भी लगा सकते हैं। रेड कलर की लिपस्टिक लेके भी आप लगा सकते हैं, या फिर सिंदूर आता है लिपस्टिक शेप में उससे भी लगा सकते हैं। और इन्हीं बालों को आप इस टाइप का सिंदूर करके पीछे एक बन बना लेंगे, ये वाला भी आपका बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। और हम हैवी सा सिंदूर और बिंदी और पीछे बन, बहुत ही प्यारा लुक आता है। देखिए ये आप पार्टी या फिर डेली वेयर में कर सकते हैं, आप देखेंगे कितना प्यारा सा लुक लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक लगता है ये। अब इसी को आप पोनी भी बना सकते हैं, अगर आप बन्नी बनाना चाहते हैं तो इसी में आप पोनी भी बना सकते हैं। इस टाइप से पोनी बना लेंगे, हैवी सा सिंदूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, बहुत प्यारा लुक लगेगा। अब ये फाइनल लुक है कि आप ओपन छोड़ सकते हैं अपने बालों को, साइड की मांग निकाल के ओपन छोड़ सकते हैं। ये वाला लुक भी बहुत प्यारा लगता है। अब नेक्स्ट लुक में आते हैं, इसमें हम साइड की मांग निकालेंगे। अगर आपकी बीच की मांग पसंद नहीं है तो अब मैं साइड की हेयर स्टाइल बताऊंगी, साइड की मांग के साथ आप कैसे हेयर स्टाइल कर सकते हैं। साइड की मांग के साथ आप थोड़ा सा साइड में पफ बनाएंगे, थोड़ा सा इस साइड में पफ बनाएंगे। अब हमने साइड की मांग निकाली है, अगर आपको बीच की मांग पसंद नहीं है तो आप इस टाइप से देखिए कितना प्यारा लुक आया है। दोनों साइड आप पफ बना लेंगे साइड की मांग निकाल के, और सिंदूर और बिंदी अच्छे से लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। अब नेक्स्ट हम टेन हेयर स्टाइल पे जाएंगे, तो इसमें आप एक ऊंचे से करके पोनी बना लेंगे, थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे, और आप देखेंगे कि कितना प्यारा लुक आएगा। ये साड़ी सूट सबके साथ अच्छा लगता है, अपनी हेम सिंदूर के साथ आप ये वाली पोनी बनाएंगे ना, बहुत प्यारा लुक आता है, समर्स में बहुत अच्छी भी लगती है। थोड़े से बाल आगे से निकाल लेंगे और पीछे एक पोनी बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो